लेकिन जिस तरह से टेंडर हुआ है हमारे क्षेत्र के लोगों को और नौका में चढ़ने का नसीब नहीं होगा। और इस टेंडर में स्थानीय लोग को छोड़ करके वहाँ का 4 ग्राम सभा के द्वारा जो संचालित किया जा रहा था उससे बाहर कुछ बाहर के लोग यहाँ पर टेंडर को पास करा करके टेंडर उनके हाथों में दिया जाने का फैसला हो चुका है। अभी टेंडर हुआ है उसको रद्द किया जाए, अविलंब रद्द किया जाए। और ग्रामीणों के साथ सभी को जोहार। इस चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी को हमारी तरफ से क्रांतिकारी जोहार। देखिए आज ये हम लोग बहुत गंभीर विषय पर हम लोग आज अनुमंडल पत्रकार के समझ आए हैं। देख सकते हैं हमारे पीछे इतने सारे महिलाएं, बच्चे और विभिन्न वर्ग के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। मामला ये है, कुछ दिन पहले यहाँ पर जो है बरूड़ी डैम जो नौका परिचालन समिति जो नौका का जो परिचालन हो रहा था इसका टेंडर हो जाता है और इस टेंडर में स्थानीय लोग को छोड़ करके वहाँ का 4 ग्राम सभा के द्वारा जो संचालित किया जा रहा था उससे बाहर कुछ बाहर के लोग यहाँ पर टेंडर को पास करा करके टेंडर उनके हाथों में दिया जाने का फैसला हो चुका है। उसके विरोध में आज पूरे 4 ग्राम सभा के ग्रामवासी यहाँ पर आज अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष ये आए हैं कि इस टेंडर को रद्द किया जाए और इसके साथ साथ ये जो टेंडर जो होगा वो इस ग्राम सभा के बीचों में बीच रखा जाए, क्योंकि सभी जानते हैं कि ये हमारा जो क्षेत्र है ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंदर आता है और 5वीं क्षेत्र में ग्राम सभा सबसे पहले प्राथमिकता होता है। और ग्राम सभा होने के बावजूद भी बाहरी को टेंडर किस आधार पर हुआ ये हम लोग अनुमंडल पत्रकार से जवाब मांगने भी आए हैं। अगर इस तरह का ऐसा होते रहेगा तो हमारा यहाँ का जितना भी आदिवासी मूलवासी को जो भी संपत्ति है या जो भी उनके इर्द गिर्द में जो भी है रोजगार का एक साधन संसाधन है सारे खत्म होते जाएगा। और ये चीज़ एग्जाम्पल के तौर भी देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात आज अनुमंडल पदाधिकारी या जो प्रशासन है जिस मैंने जोश के साथ इसको टेंडर करवाया, अगर इतना ही जोश के साथ जिस दिन बुरू डैम के लोग विस्थापित हुए अगर उस विस्थापित लोगों को चुन चुन करके सभी को नौकरी देते हैं आज ग्रामीण इसका विरोध नहीं करते। आपने अनुसूचित क्षेत्र में लोगों को विस्थापित किया, ना तो आपने जमीन दिया, ना तो किसी को रोजगार दिया, ना तो उस क्षेत्र में न शिक्षा का व्यवस्था को आपने देखा, ना तो वहाँ का स्वास्थ्य को देखा। अब किस आधार पर उसके वहाँ के लोगों को विस्थापित करके और बाहरी टेंडर का प्रस्ताव कर देते हैं। ये 4 ग्राम सभा ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड में इस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं आदिवासी समाज के लोग, यहाँ के मूलवासी समाज के लोग इसको विरोध करेगा और जितना जल्दी हो सके इस टेंडर को रद्द किया जाए, अन्यथा तो यह आंदोलन उग्र और होगा। और अभी तक जब तक टेंडर नहीं होता है तब तक पर्यटक उस रोड में भी हम लोग भारी वाहन और पर्यटक गाड़ी को हम लोग रोकने का काम करेंगे। जब तक ये क्लियर नहीं होता है तब तक ये बंद रहेगा। और आज हम लोग प्रशासन अनुमंडल पदाधिकारी का हम वेट कर रहे हैं, आएंगे फिर वार्ता करेंगे और उनसे भी हम लोग आग्रह करेंगे कि सर आप इसको रद्द कराइए और करके जिस तरह से पिछले जो ग्राम सभा के अनुमति से ग्राम सभा के द्वारा जो संचालित हो रहा था उसके माध्यम से ग्रामीणों को रोजगार कुछ मिल रहा था, इतना ही नहीं बल्कि हमारे क्षेत्र के जो लोग मैंने कम रकम में बोले नौका में जो है चढ़ने का मौका भी मिल रहा था, लेकिन जिस तरह से टेंडर हुआ है हमारे इस क्षेत्र के लोगों को और नौका में चढ़ने का नसीब नहीं होगा। इसलिए हम लोग बार बार यही कहते हैं कि टेंडर को रद्द किया जाए और जिस तरह से पहले परिचालन हो रहा था उसी के आधार पर ग्राम सभा के द्वारा ये परिचालन किया जाए। मेरा नाम रामदास मोदी। ये बुरुडी डैम का मामला ही है, पिछले दिनों 27 नौ को यही अनुमंडल सभागार में ये बुरुडी डैम जो नौका परिचालन होता है उसका टेंडर हो जाता है, लेकिन आप सभी को पता होगा वहाँ के 4 मौजा के लोग इस टेंडर को चलाते थे और वहाँ के जो लोकल बेरोजगार लोग उसके कुछ रोजगार उन लोग को मिलता था। आप लोग का मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे यही है कि जो अभी टेंडर हुआ है उसको रद्द किया जाए, अविलंब रद्द किया जाए और ग्रामीणों के साथ ग्राम सभा के माध्यम से फिर से टेंडर निकाला जाए। मामला देखिए 2007 तक चल रहा था पहले तो, लेकिन पहले जो हमारे आदमियों ने चला रहा था वो सही चला रहा था। इसके बाद से जो अभी पिछले साल से जो टेंडर का मामला शुरू किया हम लोग ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम सभा करके हम लोग जो तो लेटर दिए थे पदाधिकारी लोगों को, तो लेकिन
दे के भी हम लोग का ग्राम सभा मान्यता नहीं की, तो फिर भी हम लोग रद्द करते आ रहे थे, लेकिन हम लोग का कोई मांग नहीं सुने। तो लेकिन इसके बावजूद भी इस बार हम लोग लेटर दिए थे, थाना प्रभारी को दिए थे और SDO साहब को भी दिए थे और विधायक जी रामदास सोरेन को भी दिए थे, लेकिन वो सब हम लोग को क्या बोले, ठीक है हम लोग देख लेंगे और आगे बढ़ाएंगे कागज़ सबको, तो लेकिन अभी तक कुछ हम लोग का काम नहीं किया। अभी तक ग्रामीणों जो हम लोग स्थानीय आदमी हैं, हम लोग को कुछ नवा बुरुडी डैम नौका परिचालन समिति जहाँ चला करा नवा नितो सरकार प्रत्येक साल टेंडर आए और नवा टेंडर रे स्थानीय नोडे ग्राम सभा से नोडे रिन स्थानीय होड़ को नवा टेंडर बको डला दड़ा करना बाहरी होड़ को नोडे का हबी करना ढेर ढेर टका तक हताया नोडे होड़ को बेरोजगार करना नोडे विस्थापित को बेरोजगार को बेरोजगार करना नुकु रोजगार बको नामिया नवा आदि करते बार बार आले हो नोडे SDM अनुमंडल पदाधिकारी आवेदन है वहाँ करना तो नवा ग्राम सभा ओमनोय आए नवा आलिया अड़ियान दुख ना कथा करा कर्मजी बाबू ना मेन दो चेर नोट डैम नौका परिचालन रदुमा सचेर नवा नौका परिचालन समिति आलिया आले दे है करना ग्राम सभा नोडे ग्राम सभा माध्यम ते चला मा ग्राम सभा नोडे चलावे जहां ग्राम सभा ना जहां दायित्व करना ना दायित्व निभावे प्रशासन आजा जहां गाइडलाइन है मा ओना ते चलावे।